किसान विधानसभा से लेकर सचिवालय में आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। सचिवालय में जहां केंद्रीय टिड्डी दल की बैठक हुई, तो वहीं विधानसभा में बेमौसम बारिश की वजह से खराब हुई फसलों का मुद्दा उठा। पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए बीते कई महीने कहर बनकर बरसे। कहीं टिड्डियों ने फसलों को बर्बाद किया, तो कहीं बेमौसम बारिश की वजह से सब कुछ चौपट हो गया। आज विधानसभा से लेकर सचिवालय तक सब किसानों के मुद्दे पर व्यस्त दिखे। सचिवालय में केंद्रीय अध्ययन दल की बैठक हुई। बैठक के बाद ये टीम पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों का दौरा करेगी। राज्य सरकार ने 8 जिलों को टिड्डी प्रभावित माना है। राज्य सरकार ने 33% से ज्यादा खराबे की रिपोर्ट तैयार की है। प्रदेश के 70,000 किसानों की फसलें टिड्डियों ने चौपट कर दी। अब केंद्र सरकार की ये टीमें जायजा लेकर मोदी सरकार को रिपोर्ट देगी। इधर विधानसभा में भी बारिश से खराब हुई फसलों का मुद्दा उठा। दरअसल श्री डूंगरगढ़ विधायक ने फसल खराबे का मुद्दा उठाया, जिस पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जवाब दिया। इस पर विधायक गिरधारी लाल महिया ने पूरक प्रश्न पूछा। क्षेत्र में 6,963 प्रतिवेदन, लेकिन स्पीकर ने अगले सवाल के लिए बोल दिया, जिस पर गिरधारी लाल ने कहा कि आप सदन को डंडे के दम पर चलाना चाहते हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर आप अगर किसी तरह से कोई डंडा चलाना चाहते हो चलो। प्रश्न क्या आपका? आपका प्रश्न पूछो ना। अदा सर में 20%, प्रश्न अगला प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न क्या आपका? नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर आप अगर किसी तरह से कोई डंडा चलाना चाहते हो चलो। आप बैठे भाई, प्लीज नीचे बैठे, आप नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, संख्या 105, नीचे बैठे, नीचे बैठे, अंकित नहीं होगा, नीचे बैठे। मानी मानी पुनिया जी, मानी बलवान जी पुनिया, मानी पुनिया जी। सदन में मौजूद भाजपा विधायकों ने इस पर नाराजगी जताई। हालांकि ये देखना होगा कि किसानों के हितों के कामकाज भी इसी तरह की सियासी झड़प में दब जाएंगे या वाकई किसानों को मुआवजा मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ए, राजसमंद विधानसभा।